हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट उसमें से चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स उसका प्रैक्टिस सेट 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करके दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क 250 कस्टमर, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेस, फाइंड द मीन ऑफ द सोल्ड बाय द डायरेक्ट मेथड। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन का, आपको मीन फाइंड आउट करना है किससे, बाय डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए क्या दिया गया है, आपको टेबल दिया गया है। टेबल में देखिए क्या दिया है, मिल्क सोल्ड क्या है लीटर में है और क्या है नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए गए। तो हमको क्या करना है, बाय डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से बाय डायरेक्ट मेथड और क्या है फोर कॉलम्स। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, अगर डायरेक्ट मेथड से हो तो फोर कॉलम्स, अज्यूम मेथड से हो तो फाइव कॉलम्स और है ना, और अगर आपको बोले कि मीन फाइंड आउट करो स्टेप डेविएशन मेथड से तो उसमें 6 कॉलम्स आएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए हमको क्या करना है, अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, यानी ये इस तरह से 4 कॉलम्स आएंगे और मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एफ आई होता है और ये जो हम हमारा ऊपर का होता है वो क्या होता है, क्लास होता है, ये हमारा क्लास है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, मिल्क लिखेंगे। तो ये हमारा मिल्क यानी क्या, लीटर में है, लीटर। तो क्या यहाँ पे आएगा, क्लास आएगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, क्लास मार्क आता है, क्लास मार्क यानी एक्स आई। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एफ आई, एफ आई यानी क्या, नंबर ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कस्टमर यानी एफ आई, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ आई एक्स आई एफ आई, या फिर एफ आई एक्स आई, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम मिल्क लीटर में है, कितने हैं पहले से, तो कितना है, 1 से 2 लीटर है, फिर 2 से 3 लीटर है, 3 से 4 लीटर है, 4 से 5 लीटर है, एंड 5 से कितने 6 लीटर है, और लास्ट वाला जो होगा टोटल के लिए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने दिए हैं वो पहले राइट डाउन करेंगे। पहले 17 है, 13 है, 10 है, फिर 7 है और उसके बाद 3 है। तो देखिए ये हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों की एडिशन करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1.5 होगा, इन दोनों की एडिशन करोगे तो 5, और 5 को 2 से डिवाइडेड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1-1 इंक्रीज होते जाएंगे, यानी 3.5, 4.5 एंड 5.5, इस तरह से। अब क्या करना है, एक्स आई एफ आई का ये कॉलम, यानी इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 17 5 जो कितना होता है, 85 होता है। तो 85 को 5 और 8 कैरीज को गए, 17 17 और 8 उसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा, और ये 0.1 डिजिट के बाद, यानी 25.5, इतना आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ये इसका यानी क्या हो जाएगा, 13 5 65, यानी 5 यहाँ आएगा, 6 कैरी गया और ये डेसिमल पॉइंट, उसका 13 2 26 में क्या करना है, 26 में अगर आप 6 ऐड करो तो क्या होगा, 32.5। फिर क्या होगा, 10 5 50 का 0 और क्या हो जाएगा, 5 carry 5 3 10 3 30 एंड 5 यानी 35, और पॉइंट कितना है, 1 डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे आएगा डिजिट। 7 5 35 को 5 3 कैरी गया, 7 7 1 7 7 4 28 और 28 का कैरी 3, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 31, ये हो गया। 3 5 15 एंड 1 कैरी इसको, 3 5 15 और 1 यानी 16, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इन दोनों की, इसकी नहीं ओनली लास्ट के 2 कॉलम्स की समेशन फाइंड आउट करेंगे। समेशन यानी क्या, एडिशन, एडिशन यानी क्या, टोटल कितने हैं, 50 कस्टमर्स हमको दिए गए, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 17 प्लस 13 यानी 30 40 और ये 50, टोटल आया 50। अब इसकी एडिशन करोगे तो समेशन एफ आई एक्स आई या फिर एक्स आई एफ आई इज इक्वल्स टू, इन लोगों की देखिए टोटल एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 एंड 20। तो देखिए 5 5 प्लस 5 यानी 10 10 एंड 10 यानी 20 का 0
और टू कैरी का, यानी फाइव और टू सेवन, सेवन नाइन, नाइन और वन टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन एंड सिक्स यानी ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का वन और वापस टू कैरी का, यानी क्या हो जाएगा टू वन टू फोर, फोर वन थ्री सेवन, सेवन एंड थ्री, सेवन एंड थ्री टेन, टेन एंड थ्री थर्टीन, थर्टीन एंड वन फोर्टीन, यानी इतना हो गया। और डेसिमल पॉइंट वन डिजिट के बाद, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 141, ये हमारा टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या, आप देखिए फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल्स टू, मीन यानी क्या एक्स बार से डिनोट करते हैं, यानी इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई, या फिर एक्स आई एफ आई कर सकते हो आप, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यानी क्या हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई हमारा क्या है 141 डिवाइडेड बाय 50, यह है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रफ में भी सॉल्व कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो चलिए रफ में सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे इस तरह से करना है। तो 50 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 141। तो देखिए क्या है, 50 के टेबल में 141 नहीं है, यानी 150 के टेबल में 50 to the 100 है, यानी 100 हो जाएगा। इन लोगों की सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इन लोगों की सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा जीरो, यानी यहाँ पे आएगा 41 और ये होगा जीरो, वापस क्या हो गया पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट लिया तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यानी 58 ज़ा 400, वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो और यहाँ पे आ जाएगा 10, वापस यहाँ पे एक जीरो लिया तो 100, यानी जीरो एंड जीरो, यानी हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा 2.82, ये हमारा क्या है आंसर आया है। तो अब हमारा क्या, ये 2.82 लीटर में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो x बार इज इक्वल्स टू 2.82 लीटर। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर द मीन ऑफ मिल्क, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज कितना है 2.82 लीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2.82 लीटर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम मेथड। देखिए क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है किससे, अज्यूम मीन मेथड से। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, टेबल दिया गया है किस तरह का, देखिए प्रोडक्शन दिया गया है किसमें 1000 रुपीज़ में दिया गया है, ये सारे क्या है 1000 रुपीज़ में, नंबर ऑफ फार्म्स ओनर्स कितने 20, 25, 50, 10 एंड 10 इतने हैं। तो अब क्या करना है, इसे अज्यूम मेथड से सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है बाय अज्यूम मीन मेथड ये लिख लिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया प्रोडक्शन वो लिख लेंगे प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्शन और ये जो प्रोडक्शन है काई में 1000 में, तो प्रोडक्शन और ये क्या है 1000 रुपीज़ में, 1000 और ये क्या है हमारा क्लास होता है, ये लास्ट, ये फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा क्लास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड वो हमारा क्या होता है क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क ये हमने देखा है सब में सेम आएगा, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है फोर कॉलम में, यानी डी अज्यूम मेथड में कितने टोटल 5 कॉलम्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स आई माइनस ए और ये हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा नंबर ऑफ फार्म ओनर्स वो हमारा क्या है इस टेबल में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फार्म ओनर यानी क्या एफ आई और ये हमारा क्या एफ आई और डी आई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कॉलम में हमने क्या क्या फिल कर लिया, अब उसके बाद हमारा जो नंबर्स दिए गए सारे इसमें राइट डाउन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 45 to 50 आएगा इस तरह से, और लास्ट में जो कॉलम है वो क्या आएगा टोटल का आएगा, ये हो गया। अब ये हो गया, अब क्या करते हैं मालूम, क्लास मार्क आपको मालूम है किस तरह से फाइंड करते हैं, इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा
25 में 30 ऐड करो तो 55, 55 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 27.5, इस तरह से होगा। तो अब देखिए ये क्या है, 25 है, 25 में 2 ऐड हो गया यानी 2 बढ़ गया है 25 में, तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 32.5 इस तरह से होगा। यहाँ पे 35 यानी 2 ऐड हो ज़्यादा हो जाएगा यानी 37.5, 40 है यानी 42.5 एंड 47.5। आसान है, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ 25 है उसमें 2 ऐड हो रहा है पहले टर्म में, तो यानी सब में क्या करना है 2 ऐड करते जाना है पहले टर्म से, यानी पहले वाला जो नंबर है उसमें क्या करना है ओनली 2 ऐड करते जाना है बस। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स आई डी आई, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, हम जो है ना लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको हम क्या करना पड़ता है, ए कंसीडर करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं मिडल वैल्यू जो है वो ए कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा हो गया ए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए है वो क्या करेंगे सारे वैल्यू में से माइनस करेंगे। अब देखिए पहले क्या करेंगे इस यानी 27.5 में से 37.5 फिर 32.5 में से 37.5 ये सब माइनस करते जाना है। तो 27 में से अगर 37 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 27 छोटा है 37 से, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 32 और ये 37 यानी क्या आएगा 32 माइनस 37 करो तो क्या हो जाएगा, और 5 माइनस 5 यानी 0 और यहाँ पे माइनस है यानी बड़े की साइन माइनस आएगा, 37.5 माइनस 37.5 0। अब देखिए ये बड़ा है इससे यानी यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, 42.5 में से 37.5 माइनस करो तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 47.5 में से 37.5 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। और नंबर ऑफ फॉर्म्स ओनर्स क्या है हमारा एफ आई क्या है, पहले तो 20 है फिर 25 है उसके बाद 15 है 10 है एंड 10 है, ये हो गया। आप क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 यानी माइनस 200 आएगा क्योंकि उसके साथ माइनस है, उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 5 यानी क्या हो जाएगा 125, इसके साथ भी माइनस है यानी माइनस 15 5 मल्टीप्लाई 0 यानी कभी भी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आता है, 10 5 ज़ा 50 एंड 10 10 ज़ा 100 ये हो गया। अब क्या करेंगे इन लोगों की हम एडिशन करेंगे, एडिशन यानी कि समेशन एफ आई, देखिए सिर्फ ओनली लास्ट की टू कॉलम्स की एडिशन करनी है, तो इनकी एडिशन देखिए कितना हो जाएगा 45 50 60 70 एंड 80, टोटल कितना गया ये 80 हो गया। और ये हम देखेंगे समेशन एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू टोटल इन दोनों की एडिशन करो आप, तो देखिए इन दोनों की एडिशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 325 और माइनस माइनस और क्या होगा 320 माइनस 325 में से इन दोनों की एडिशन करोगे तो 150 में से 325 माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 175, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बड़े की साइन माइनस आई है, इसलिए आप क्या करेंगे मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करने से पहले क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है डी बार फाइंड आउट करते हैं, तो डी बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, समेशन यानी क्या उनकी एडिशन, समेशन एफ आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये क्या है हमारा माइनस 175 डिवाइडेड बाई 80 है, ये क्या है 100 ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रफ में आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 80 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 175, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 टू ज़ा कितना होता है 160 यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, वापस यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 1 एंड 5, तो यहाँ पे ये छोटा यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये होगा। तो अभी क्या हो जाएगा देखिए 18 के टेबल में 150 है क्या नहीं, ये 16 है यहाँ पे वहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 0 और इसमें से ये नहीं जाता यानी 15 माइनस 70 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा 70 यानी वापस ये क्या होगा 0 आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 18 तो फिर 8 ज़ा कितना हो जाएगा 8 640 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 यानी 7 यानी 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी 0, वापस यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 के टेबल में 600 है क्या, तो 18 से मतलब क्या है 560 है यानी इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 0 वापस, तो यहाँ पे क्या आएगा वापस ये होगा 18 फाइजा कितना होता है 18 फाइजा, तो 18 फाइजा क्या होगा यहाँ पे 400 यानी यहाँ पे क्या जाएगा 0 एंड 0, तो ये हो जाए हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इसको क्या कर सकते हो इसके यूनिट प्लेस पे ये क्या है 0 यानी क्या हो जाएगा 5 1 5 एंड 5 6 30 एंड 5 3 50 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 5 25 यानी यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो माइनस
35 डिवाइडेड बाय 16, यानी आपका आंसर भी क्या आएगा ऐसा ही आएगा सेम, माइनस 200.1875 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको नियरली इक्वल टू में लिखना है, यानी ये इसको ओनली हमें क्या करना है, टू डिजिट में राइट डाउन करना है। ये हमारा फोर डिजिट है, तो आपको याद रखना होगा अगर ये डेसिमल पॉइंट के बाद का जो तीसरा डिजिट है वो अगर फाइव या फाइव से बड़ा हो तो वो क्या करना है आपको, एक इसमें एक ऐड करना है, शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर एट में वन ऐड करोगे तो नाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस डी वन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2.19। अब हमारा क्या आएगा एक्स बार, यानी मीन इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार। तो हमारा ए कितना आया है, 37.5 हमने ए कंसिडर किया है। देखिए 37.5 क्या क्या है, हमने ए कंसिडर किया है 37, तो यहाँ पे 37.5 और प्लस, और डी हमारा कितना है माइनस, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये इतना, यानी क्या हो जाएगा 37.5 प्लस माइनस माइनस 2.19। इन लोगों की क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 37.5, यानी यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे नीचे एक डिजिट ज़्यादा है, इसलिए तो यहाँ क्या जीरो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 1 यहाँ पे आएगा 3, 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ आएगा 35.35, यहाँ पे क्या है आपका आंसर 35.31 आया है, 35.31। तो ये जो है हमारा क्या है, 1000 में है, यहाँ पे हमारे को दिया गया है उसमें कि 1000 है, क्या है 1000 रुपीज़ में है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 1000 यानी कितना 1000, तो 1000 से इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 35.31 ऐड हो जाएगी। अब ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये इतना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 35.31, और ये देखिए यहाँ पे क्या 1000 यानी डेसिमल पॉइंट टू डिजिट, यानी यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि जीरो और ये जीरो एंड ये जीरो, इतना हो गया। तो डेसिमल पॉइंट टू डिजिट के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है क्या होगा, 35,301 इतना है। तो क्या है, रुपीज़ में आया है हमारा एक्स बार मीन, तो यहाँ पे आएगा एक्स बार इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, द मीन इज रुपीज़ 35,310, ये क्या है हमारा मीन आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।